गाइस, मैं उमंग चौधरी और जिगजैग बलबम में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि पल्सर 200 एनएस में आप इसका रेडिएटर का फैन कैसे मैन्युअली स्टार्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल ट्रिक है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, फिर आपको भी पता चल जाएगा कि इसको कैसे शुरू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको एक स्विच चाहिए होगा इस तरह का। ये आपको किसी भी स्टोर में 20 से 30 रुपए में मिल जाएगा, जो आपको इसमें कनेक्ट करना है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो ये करने के लिए पहले हमें इन सब सीटों को खोलना पड़ेगा, जो मैंने पहले खोल के रखे हैं। फिर हमें ये नट्स निकालने पड़ेंगे इस तरह, और फिर ये अलग हो जाएगा, देख ही सकते हैं इधर। और उसके बाद में आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक यहाँ स्क्रू होगा और एक यहाँ पे, जो मैंने पहले से निकाल के रखे हैं। इन सब के बाद आप इस फ्यूज को देख सकते हैं, ये वाला, इसे आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद आपने जो स्विच ली है उसमें से एक वायर इसमें कनेक्ट करना है, और दूसरा वाला वायर दूसरे प्लग में कनेक्ट करना है। आप ठीक से देख लीजिए। फिर हमें इसको फिर से, इस फ्यूज को इसमें फिर से लगा देना है। दोस्तों, हमने यहाँ पे स्विच लगा दिया है, पर आप इसका इस्तेमाल तभी करें जब आपको लगे कि आपका इंजन बहुत फिट हो रहा है, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम दी गई है, इसका फैन ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा, पर आपको लगे कि इसका फैन, आपका इंजन बहुत गर्म हो चुका है और आपका फैन शुरू नहीं हो रहा है, तभी आप इसका इस्तेमाल करें, वरना ना करें। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।